हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जावेद प्रतापगढ़ी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो 2D और 3D दोनों में बनाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जावेद प्रतापगढ़ी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए अब हम वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा घर होने वाला है, ये होने वाला है डबल फ्लोर का। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट फेसिंग हाउस होने वाला है। दोस्तों, पहले हम ग्राउंड फ्लोर के बारे में आपको डिटेल देंगे, फिर उसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर के बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसके बाद हम आपको बना के 3D में भी दिखा देंगे कि आखिरकार हमारा घर इस डिजाइन से बनने के बाद किस तरह से बनने के बाद दिखने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये ईस्ट फेसिंग हाउस है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये होने वाला है हमारे घर के अंदर जाने के लिए एंट्री डोर। ये है हमारा पोर्च एरिया। और दोस्तों, यहाँ पे हम कार भी खड़ी कर सकते हैं, आप वीडियो में देख पाएंगे। यहाँ पे हम इसके नीचे एक कार खड़ी करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा गार्डन एरिया होने वाला है, यहाँ पे हम कुछ गार्डन का स्पेस बनाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से हम सीढ़ी देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। वो मैं आपको सेकेंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर पर जो नक्शा दिखाऊंगा उसमें दिखा दूंगा कि कैसे हमने यहाँ से सीढ़ियाँ दी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब हम मेन रोड से घर के अंदर जाएंगे, हमें देखने को मिलेगा कि ये हमारा ड्राइंग हॉल होने वाला है। दोस्तों, ये होने वाला है 16 फीट बाई 14 फीट का, ठीक है दोस्तों। जो इसकी चौड़ाई होने वाली है वो 16 फीट की होने वाली है, और दोस्तों जो इसकी लेंथ होने वाली है वो 14 फीट की होने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा किचन है 10 बाई 10 का, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर पर भी हमने डबल बेडरूम बनाया हुआ है, और दोस्तों जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है इस पर तो डबल बेडरूम है ही, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये है 10 बाई 12 का, और ये भी है 10 फीट बाई 12 फीट का, ठीक है दोस्तों। हमने ग्राउंड फ्लोर पर भी एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है, और फर्स्ट फ्लोर पर भी सेम एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारे ग्राउंड फ्लोर के डिजाइन का नक्शा। अब हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर होने वाला है उसका नक्शा किस तरह से है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर का नक्शा, ये भी ईस्ट फेसिंग ही होगा दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था, जो हमारी स्टेयर्स होने वाली हैं यहाँ से होने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि जो हमारी स्टेयर इस तरह से होने वाली है वो बनने के बाद किस तरह से दिखेगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा गार्डन था, जैसे कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा होगा। तो दोस्तों, जब हम सीढ़ियों से स्टेयर से होते हुए अपनी छत पे आएंगे, तो ये जो स्पेस आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये है 6 फीट का, ठीक है दोस्तों। जो हमारा ये स्पेस है, ये 6 फीट का होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, जो इसके ऊपर जाने के लिए जो हमने बनाया हुआ स्टेयर, वो यहाँ से है। अब जब हम आपको 3D में दिखाएंगे तो आप देख लेना, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों ये घर बनने के बाद। तो दोस्तों, ये हमारा लार्ज ड्राइंग हॉल है, जो कि होने वाला है 10 फीट बाई 14 फीट का। जैसे कि हमने कहा था दोस्तों, हमारे फर्स्ट फ्लोर पर भी डबल बेडरूम है, तो ये एक बेडरूम तो ये हो गया 10 बाई 12 फीट का, और दूसरा बेडरूम ये है दोस्तों 10 फीट बाई 12 फीट का, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो आप देख रहे होंगे, ये हमारी विंडो होने वाली है, ठीक है, ये हमारी विंडो होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे बताया था कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पर भी एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, और ठीक उसी तरह हमारे फर्स्ट फ्लोर पर भी एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये एक है कॉमन टॉयलेट बाथरूम, ये होने वाला है दोस्तों 8 फीट बाई 6 फीट का, ठीक है दोस्तों। जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 8 फीट, और जो इसकी लेंथ होने वाली है वो 6 फीट की होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको 3D में दिखाते हैं कि आखिरकार हमारा घर बनने के बाद एक मॉडर्न डिजाइन से किस तरह से हम इसे बनाएंगे, और बनने के बाद किस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब हम आपको 3D में दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो, मेरा घर प्यारा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, एक कमेंट ज़रूर कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम 3D में देखते हैं। We'll be right back.
हे दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप सबको? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर हो सके तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को, अपने फैमिली को मेरे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।